हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। मैं जय स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, झारखंड के आधुनिक इतिहास में आज हम लोग झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश का पार्ट टू देखेंगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल विज की जाके देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य करना पड़ा? ऑप्शन ए पंचेत, ऑप्शन बी रक्सेल, ऑप्शन सी चेरो, ऑप्शन डी रामगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रामगढ़। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य को करना पड़ा? तो रामगढ़ राज्य को करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए फर्गूसन, ऑप्शन बी केमक, ऑप्शन सी विल्किंसन, ऑप्शन डी कुक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केमक। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? तो केमक के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों को विरोध करता रहा? ऑप्शन ए तेज सिंह, ऑप्शन बी हेमंत सिंह, ऑप्शन सी मुकुंद सिंह, ऑप्शन डी कामाख्या नारायण सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुकुंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ राज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज पर चढ़ाई की गई, ऑप्शन बी मुकुंद सिंह भागकर पंचायत चला गया, ऑप्शन सी तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रामगढ़ पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले के गठन किया गया? ऑप्शन ए 1771 ईस्वी, ऑप्शन बी 1772 ईस्वी, ऑप्शन सी 1773 ईस्वी, ऑप्शन डी 1774 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1773 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध। संथाल परगना में अंग्रेज का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी भूखन सिंह, ऑप्शन सी विक्रम सिंह, ऑप्शन डी राम सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विक्रम सिंह। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की? तो विक्रम सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए सरायकेला, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी चाईबासा, ऑप्शन डी चक्रधरपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरायकेला। सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सरायकेला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1767 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1770 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1793 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1821 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसवां राज का अंग्रेजों के साथ विविधित संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1793 ईस्वी, ऑप्शन बी 1808 ईस्वी, ऑप्शन सी 1861 ईस्वी, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1793 ईस्वी। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसवां राज का अंग्रेजों के साथ विविध संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1793 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय कितने दशकों का समय लगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय कितने दशक का समय लगा? तो 7 दशकों का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, राजमहल में उधवानाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेजों का, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों का, ऑप्शन सी मुगलों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंग्रेजों का। अगला क्वेश्चन है, 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहद योजना किसने प्रदान की? ऑप्शन ए विल्किंसन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी फर्गुसन ने, ऑप्शन डी केमक ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहद योजना किसने प्रदान की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान की है। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए क्लीवलैंड ने, ऑप्शन बी डॉल्टन ने, ऑप्शन सी केमक ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लीवलैंड ने। अगला क्वेश्चन है,
झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? ऑप्शन ए विल्किंसन, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी चैपमैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चैपमैन। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो चैपमैन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।